महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के जादू और इसके बाद गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के दम पर गुजरात टाइटंस को हराकर चेन्नई सुपर किंग्स ने बनाई फाइनल में जगह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। आईपीएल 2023 का क्वालिफायर वन मुकाबला बेहद ही शानदार रहा, जहाँ पर रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों, इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी चेन्नई सुपर किंग्स और महेंद्र सिंह धोनी की शानदार जीत से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही रोमांचक व महामुकाबले का पूरा हाईलाइट, जहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले की टॉस की। टॉस जीतकर हार्दिक ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दोनों टीमें काफ़ी शानदार प्लेइंग 11 के साथ आज मैदान पर उतर रही थी। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और डेविन कॉनवे पारी की शुरुआत करने उतरे, तो यहां पर दूसरे ही ओवर में नालकंडे ने पहली सफलता दिला दी थी गुजरात टाइटंस को, लेकिन वो बॉल नो बॉल हो चुकी थी और एक जीवन दान मिल गया था ऋतुराज गायकवाड़ को। और इसके बाद फ्री हिट गेंद पर उन्होंने शानदार हिट लगाया और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए भेजा और अपनी टीम के लिए शानदार आगाज कर दिया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार एक्स्ट्रा कवर की तरफ शानदार तरीके से गेंद को कवर ड्राइव के जरिए चौके के लिए भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर भी एक बार फिर मोहम्मद शमी की गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से बेहतरीन चौका कवर ड्राइव के जरिए देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद तो उनकी शानदार बल्लेबाजी जारी रही। इसके बाद उन्होंने राशिद खान के ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी की। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद नूर अहमद के ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर बेहतरीन आगाज किया इन्होंने। तो इसके बाद यहां पर डेविन कॉनवे ने भी छठे ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ा और यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पावर प्ले में दोनों बल्लेबाजों ने बगैर कोई विकेट गंवाए 49 रन बना लिए। तो वहीं पर इसके बाद पावर प्ले के बाद भी शानदार तरीके से सातवें ओवर की चौथी गेंद पर राशिद खान की गेंद को एक और शानदार तरीके से चौके के लिए भेजा। वहीं पर इसके बाद नौवें ओवर की दूसरी गेंद पर चौका लगाकर मात्र 36 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया ऋतुराज गायकवाड़ ने और चेन्नई सुपर किंग्स को बेहतरीन शुरुआत दिला दी। तो वहीं पर इसके बाद यहां पर नौवें ओवर की पांचवी गेंद पर एक इनसाइड एज के जरिए एक और चौका देखने को मिला गायकवाड़ के बल्ले से। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर कैच थमा बैठे वो डेविड मिलर को और मोहित शर्मा ने उन्हें पेवलियन भेजा। इस मुकाबले में काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 44 गेंदों पर 60 रनों की पारी खेल कर लौटे ऋतुराज गायकवाड़। तो वहीं पर इसके बाद शिवम दुबे उतरे, लेकिन वो आज के मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। नूर अहमद ने उनको बोल्ड करके पेवलियन भेजा, वो 3 गेंदों पर सिर्फ 1 ही रन बना पाए और चेन्नई सुपर किंग्स को उनके रूप में बड़ा झटका लगा। इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर दर्शन नालकंडे की गेंद को डेविन कॉनवे ने बेहतरीन शॉट खेलते हुए चौके के लिए भेजा, एक एज के जरिए उन्हें चौका मिला। तो वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार छक्का अजिंक्य रहाणे के बल्ले से देखने को मिला। एक फ्लिक शॉट के जरिए उन्होंने डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए भेजा और 69 मीटर का शानदार छक्का लगाया, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर वो शुभमन गिल को अपना कैच थमा बैठे और चेन्नई सुपर किंग्स को एक और झटका लगा। यहाँ पर अजिंक्य रहाणे 10 गेंदों पर सिर्फ 17 ही रन बना पाए, लेकिन इसके बाद अंबाती रायडू आए तो उन्होंने पहली ही गेंद पर शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। दर्शन नालकंडे की गेंद को उन्होंने 4 रनों के लिए भेजा था, लेकिन इसके बाद 16वें ओवर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे डेविन कॉनवे, लेकिन यहां पर वो अपना कैच राशिद खान को थमा बैठे और इस मुकाबले में 34 गेंदों पर 40 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेलकर वो पेवलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 18वें ओवर की पांचवी गेंद पर एक शानदार छक्का अंबाती रायडू के बल्ले से देखने को मिला, उन्होंने डीप स्क्वायर लेग की तरफ शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर राशिद खान ने चलता किया अंबाती रायडू को सनका के हाथों कैच कराकर और एक और झटका चेन्नई सुपर किंग्स को लगा, लेकिन अंबाती रायडू आउट हुए तो मैदान पर उतरे महेंद्र सिंह धोनी। इसी बीच दोस्तों 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए ओवर एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेजा, लेकिन दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर की पाँचवीं गेंद पर मोहित शर्मा ने महेंद्र सिंह धोनी को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच करवा कर पेवलियन भेजा और यहाँ पर आज के मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी 2 गेंदों पर सिर्फ 1 ही रन
बना पाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 20वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका रविंद्र जडेजा के बल्ले से देखने को मिला, तो तीसरी गेंद पर बेहतरीन छक्का मोइन अली ने लगाया। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आखिरी बॉल पर रविंद्र जडेजा को भी बोल्ड कर दिया मोहम्मद शमी ने और CSK ने 172 रन बनाए। वहीं पर इस 173 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। हालांकि तीसरे ओवर की पहली गेंद पर दीपक चहर की गेंद को शानदार शॉट खेलते हुए 6 रनों के लिए भेजा लॉन्गलॉज के ऊपर से शुभमन गिल ने, तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर पहली सफलता चेन्नई सुपर किंग्स को रिद्धिमान शाह के रूप में मिली। रिद्धिमान शाह बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन यहाँ पर वो अपना केस थमा बैठे फत्थी राणा को और चेन्नई सुपर किंग्स को पहली सफलता मिली। रिद्धिमान शाह इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 11 गेंदों पर सिर्फ 12 रन बनाकर पेवलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या उतरे तो उन्होंने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। एक शानदार पंच ड्राइव के जरिए उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका शुभमन गिल के बल्ले से भी देखने को मिला। यह भी कमाल का चौका था जो कि मिड विकेट की तरफ गया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और चौका शुभमन गिल ने लगाया दीपक चहर की गेंद पर और इस ओवर को काफी शानदार तरीके से गुजरात टाइटंस की तरफ मोड़ा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर हार्दिक पांड्या छठे ओवर की 5वीं गेंद पर तीक्ष्णा की गेंद को एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन यहां पर वो रविंद्र जडेजा को अपना कैच थमा बैठे और 7 गेंदों पर 8 रन बनाकर पेवलियन लौटे हार्दिक पांड्या। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 7वें ओवर की पहली गेंद पर एक बेहतरीन चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद उन्होंने 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका रविंद्र जडेजा की ही गेंद पर लगाया। लेकिन दोस्तों यहां पर इसके बाद 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर दसुन सनका को चलता किया रविंद्र जडेजा ने, तीक्ष्णा ने बेहतरीन कैच पकड़ा, सनका 16 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद यहां पर 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा ने डेविड मिलर को भी बोल्ड करके पेवलियन भेज दिया और चेन्नई सुपर किंग्स को महत्वपूर्ण सफलता दिला दी रविंद्र जडेजा ने। डेविड मिलर इस मुकाबले में 6 गेंदों पर सिर्फ 4 ही रन बना पाए। इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 14वें ओवर की पहली गेंद पर दीपक चहर की गेंद को बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन डेविन कॉनवे ने बेहतरीन कैच पकड़ा और वो भी पेवलियन लौट गए। ये बड़ी सफलता थी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए क्योंकि एक छोर संभाले हुए थे शुभमन गिल लेकिन वो 38 गेंदों पर 42 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद राहुल तेवटिया को भी महेश तीक्ष्णा ने बोल्ड करके पेवलियन भेजा। राहुल तेवटिया भी इस मुकाबले में संघर्ष ही करते हुए नजर आए लेकिन एक बेहतरीन ने उनकी पारी को समाप्त किया तीक्ष्णा की। बात करें तेवटिया की तो उन्होंने 5 गेंदों पर सिर्फ और सिर्फ 3 ही रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए राशिद खान ने 16वें ओवर की 4थी गेंद पर पथिराना की गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया, तो वहीं पर एक और शानदार चौका भी उनके बल्ले से देखने को मिला। जबकि दोस्तों इसके बाद विजय शंकर ने भी एक शानदार चौका लगाया। वहीं पर इसके बाद 17वें ओवर में कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली विजय शंकर और राशिद खान के बल्ले से। जब विजय शंकर ने पहले ही गेंद पर तुषार देशपांडे की गेंद को शानदार छक्के के लिए भेजा डाउन द ग्राउंड, तो वहीं पर इसी ओवर की 4थी गेंद पर राशिद खान के बल्ले से भी एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला लॉन्ग ऑन के ऊपर से। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया राशिद खान ने और इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 19 रन बना दिए दोनों बल्लेबाजों ने। अब 3 ओवर में चाहिए थे 39 रन लेकिन दोस्तों तभी यहां पर 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर विजय शंकर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने उनका बेहतरीन कैच पकड़ा और एक और सफलता यहां पर मिल गई चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। विजय शंकर इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन 10 गेंदों पर 14 रन बनाकर वो आउट हुए। उनके आउट होने की अगली ही गेंद पर दर्शन नालकंडे को भी रन आउट करके पेवलियन भेजा शुभ्रांशु सेनापति ने और एक और चेन्नई को सफलता दिला दी। वहीं पर दोस्तों अब चेन्नई सुपर किंग्स के सामने जीत के लिए गुजरात टाइटंस को आखिरी 12 गेंदों पर 15 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर मौजूद थे राशिद खान। तभी दोस्तों उन्होंने 19वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज किया लेकिन शानदार वापसी करते हुए तुषार देशपांडे ने तीसरी ही गेंद पर यहाँ पर राशिद खान को पेवलियन भेज दिया। राशिद खान एक शानदार तरीके से गेंद को चौके के लिए भेजना चाहते थे लेकिन यहाँ पर बीच में आ गए डेविन कॉनवे और उन्होंने बेहतरीन कैच पकड़ा और तुषार
देश पांडे ने राशिद खान के रूप में सफलता दिला दी सीएसके को। 16 गेंदों पर 30 रनों की पारी खेलकर राशिद खान आउट हुए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक चौका मोहम्मद शमी के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर चौका लगाया। लेकिन इसके बाद 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर पति राणा ने एक और सफलता चेन्नई सुपर किंग्स को दिला दी। दीपक चहर के शानदार कैच ने पेवेलियन भेजा मोहम्मद शमी को और यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑल आउट कर दिया गुजरात टाइटंस को 157 रनों पर और इस मुकाबले को 15 रनों से जीतकर एक बार फिर फाइनल में जगह बना ली है। यानी कि दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स रिकॉर्ड अब 10वीं बार फाइनल में जगह बना चुकी है। तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की शानदार जीत पर आप क्या कहेंगे, साथ ही आप हमें बताएँ कि दोस्तों आपको क्या लगता है चेन्नई सुपर किंग्स इस बार चैंपियन बनेगी। आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।